हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में ये हमारे पास फोन आया है रिपेयर के लिए, तो मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो क्या दिक्कत है इसमें, तो ये देखिए पूरा ब्रोकन फोन है। तो साइड से दिखा दूँ, ये बेंड भी हो चुका है। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। तो मॉडल नंबर है इसका A1। तो उन्होंने पासवर्ड के लिए भी बताया हुआ है, तो मैं इसको खोल के दिखा दूँ आपको। MI का फोन है, तो इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो कोई बूट नहीं ले रहा। तो वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी हमारा हो जाए। तो साइड में इसकी सिम पिनों की सिम ट्रे, तो इसको मैं खोल लेता हूँ। तो मैं इसको नॉर्मली साइड साइड से पुश करूँगा तो हमारा फोन बाहर निकल आएगा। देखिए अब मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इधर से फोन पूरा टूट गया है, तो इसकी कंडीशन खराब हो गई है। तो थोड़ा मैं कनेक्टर को साफ कर लेता हूँ। तो ये हमारा पावर बटन वाला है, इसमें भी दिक्कत होगी, तो इसको मैं साफ करके फिर से लगा लेता हूँ। तो हम इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वाइब्रेशन हुआ है फोन, नॉर्मल बूट ले लिया इसने, अब तक ये ऑन हो जाता है। तो मैं साइड से बैंड हो गया है कि बॉडी भी क्रोम भी खराब हो गया इसका, तो वो भी ले आऊंगा। तो फिर उसके बाद मैं फिर से वीडियो शूट करता हूँ। अब मैं इसको डिसेंबल कर लेता हूँ, तो सारे स्क्रू हटा लेता हूँ वन बाय वन। तो ध्यान से ये करना है। तो वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हो, ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो पहले मैं मेन बोर्ड वाले उतार रहा हूँ, तो अभी दूसरे वाले हटा लेता हूँ स्क्रू सारे। तो उसके बाद इसको पूरा डिसेंबल कर देंगे हम लोग। सभी कंपोनेंट को आपको ध्यान से हटा लेना है। तो एंटीना वाली वायर का आपको ध्यान रखना, अगर ये टूट जाएगी तो आपका नेटवर्क कम आएगा। तो उसके बाद मैं बैटरी को हटा लेता हूँ। तो उसके बाद जो सेकेंडरी बोर्ड है चार्जिंग वाली और माइक वाली, उसको भी हटा लेता हूँ। तो उसको भी आपको ध्यान से हटाना है। उसके बाद मेन बोर्ड है मदरबोर्ड, उसको भी ध्यान से निकाल दिया मैंने बाहर। तो अभी मैं इसके जो कंपोनेंट बचे हैं रिसीवर और माइक फिल्टर वाला, वो भी हटा लूँगा। तो वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसीलिए किया हुआ कि ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो आपका समय भी बच जाए और आपको नॉलेज भी पूरी मिल जाए। तो इसको मैं थोड़ा वीडियो को स्किप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। अब हम इसका कॉम्बो चेक कर लेते हैं फिट करने से पहले। तो पूरी टच देख लेंगे, पूरी ओके, फिटिंग ओके है ना, कि बाद में दिक्कत हो जाती है अगर आप बिना चेक किए डाल दोगे। ऑन कर लिया है मैंने इसको, तो MI लोगो आ गया है। तो अब इसका पासवर्ड लगा लेते हैं। तो एक लगाना आपको चार बार, तो लग गया है। तो बूट टाइम लेगा ये 10-20 सेकेंड। तो उसके बाद हम टच चेक कर लेंगे, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करके। तो कीबोर्ड चेक कर लेंगे, सभी बटन से इसके वर्किंग है। तो फुल टच कर लूँगा चेक मैं,
कई बार बाद में दिक्कत आती है टाइपिंग में, तो वो ध्यान से आपको चेक करना जब भी आप कॉम्बो लेने जाओगे तो, जहाँ फिटिंग करने से पहले। तो देखिए फुल वर्किंग है, मैं सारे फंक्शन खोल के देख रहा हूँ, तो इटमिन अभी वर्किंग है, तो इसको मैं कैमरा कोमरा भी टेस्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं इसको फिट कर दूँगा ग्लू लगा कर। तो देखिए अब इसको हम स्विच ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, उसके बाद हमारा कॉम्बो वाली प्रोसेस शुरू करेंगे। तो टच को फिट करने के लिए अच्छे से आपको ये टच वाली ग्लू लगा लेनी है, तो जितनी साइड पे लगानी है ये बीच में नहीं लगनी चाहिए, इससे आपकी डिस्प्ले में सिर्फ पुश करोगे तो आपके बबल आ जाएंगे। तो आपको ध्यान से ये लगानी है, तो इतनी कम भी नहीं लगानी और जितनी ज़्यादा भी नहीं लगानी कि आपकी दूसरी बार ये टच अगर आपको उतारनी पड़े तो नहीं हो जाए। तो अच्छे से आपको लगा देनी है, तो साइड पे ही लगानी है, ये सेंटर में नहीं लगानी है, साइड टू साइड पे जहाँ पे आपकी टच बैठेगी वहीं पे ये लगानी है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कैमरे के ऊपर नहीं लगानी, इससे आपका कैमरा लेंस थोड़ा सा खराब हो जाएगा। तो नॉर्मली इस साइड से लगा दिए, तो थोड़ी सी मैं टच को भी लगा लूँगा, इससे बेटर हो जाएगी टच। तो उससे पहले मैं स्टिकर हटा लेता हूँ ये वाला। आपको ग्लू कॉर्नर की तरफ लगानी है, तो आईसी वाली तरफ ग्लू नहीं लगानी है इतना, नहीं तो आपकी टच वर्किंग नहीं करेगी, टच में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए आपको साइड साइड पे लगानी है थोड़ी थोड़ी सी ग्लू, तो उससे आपकी टच अच्छे से बैठ जाएगी, तो थोड़ा सा भी गैप नहीं रहेगा। तो ऐसा आपको कैमरा और जो अप्रॉक्सीमेटरी सेंसर होता है उससे बचा लेना आपको। तो बाकी आप फ्रंट पैनल है ना जो क्रोम, उस पर आप ग्लू लगा सकते हैं। तो साइड साइड से आपको पुश करना है, तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, इससे आपकी टच क्रैक हो जाएगी। उसके बाद मैं फ़िट कर लेता हूँ इसको। तो बैटरी लगाने के बाद मैं ढक्कन लगा लूँगा, तो उसके बाद मैं रबड़ से इसको अच्छे से कर लूँगा, जिससे आपकी टच अच्छे से फिट हो जाएगी। रबड़ लगा लूँगा, तो आपको जो भी आप ध्यान से लगाना है, तो इतना कुछ नहीं देना कि रबड़ कि आपका कॉम्बो टूट जाए। तो आप तीन या दो के पेयर में लगा सकते हैं, एक साइड पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड पे आपको लगा लेना है, इससे आपका कॉम्बो अच्छे से बैठ जाएगा और दिखेगा नहीं कि दूसरी बार टच डलवाई हुई है। तो आपकी एक बार फिटिंग अच्छे से हो जाए तो फिर आपका कॉम्बो में कोई दिक्कत नहीं आती, टूटने का खतरा नहीं रहता। अगर ऊपर की तरफ रहेगा तो उससे आपका अगली बार कॉम्बो जल्दी टूट जाता है। तो वैसा ही आप मैं कर लूँगा, थोड़ा सा मैं स्किप कर लेता हूँ वीडियो को, फास्ट फॉरवर्ड, जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए। फिर मैं एक बार इसको चेक कर लूँगा डालने के बाद, फिर इसको तीन चार घंटे के सूखने के बाद रबड़ आपको हटा देने हैं, तो उसके बाद आपका कॉम्बो वर्किंग में है। तो एक दिन बाद आप टेम्पर ग्लास भी लगा सकते हैं, जो भी लगाना है उससे आपका कॉम्बो सेफ रहेगा। तो ये थी हमारे MI ब्रोकन मोबाइल रिपेयर की वीडियो, टच डिस्प्ले फोल्डर चेंज की वीडियो। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे टेक वीडियो के लिए। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहाँ पे आपको वीडियो लिंक मिल जाएंगे और मोबाइल रिपेयर के चैनल के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Reality. No, no. Why can't you just let me?